मुझे भी पत्ता का नसीब हो गया, इसी के सहारे मैं पानी पीने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं पानी पीने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। सबों को यीशु सहाय और जोहार। आज एक नया ब्लॉग के साथ आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज जा रहा हूँ जंगल, और मैं घर से निकल गया हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ घर, और जंगल आ गया हूँ। देख सकते हैं बहुत ही नज़दीक आ गया है जंगल। ये यहीं पर मैं आया हूँ, और बहुत दिन के बाद इन साल का ये पहला दिन है, और मैं जंगल जा रहा हूँ। डर भी लग रहा है, कहे कि हम लोग का क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र है, और मैं डरते डरते जंगल पहुँच रहा हूँ। तो मैं पहुँच ही गया हूँ, अब देख सकते हैं इधर जंगल कितना हरा भरा दिख रहा है। ये तो जंगल का झाड़ी नहीं है, इसे तो ये टाण में भी इसे झाड़ी मिलता है, ये पुटुस का झाड़ी है, पुटुस का झाड़ी, और इसी के बीच से मैं जा रहा हूँ। रास्ता पूरा झाड़ी से ढका हुआ है, क्योंकि आजकल ये रास्ता से आदमी लोग आना जाना नहीं करते हैं, रास्ता बंद हो गया है। उधर दोन में खेती हो गया है, इसलिए इधर से आना जाना बंद है, और दूसरे तरफ से आदमी लोग आना जाना करते हैं। तो मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं यही रास्ता से आया हूँ, और मैं पहुँच गया हूँ जंगल। ऐसे तो मैं चढ़ रहा हूँ, थकवास लग रहा है, कि आप देख सकते हैं कितना चढ़ाव है। चढ़ते चढ़ते मुझे सांस चढ़ गया, और मैं चढ़ ही रहा हूँ, कहे कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला तो है नहीं, मैं आगे जाऊँगा ये सोच करके मैं आया हूँ, और कुछ ले कर जाऊँगा, तो क्या मिलता है देखूँगा। कुछ अता पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये ये और मेरा टंगा, इसी से मैं कुछ लेके जाऊंगा काट करके। तो आ गया हूँ, चढ़ चुका हूँ मैं ऊपर, और हम लोग का गांव उधर है, ये आप देख सकते हैं बहुत दूर, ये यहाँ हम लोग का गांव, ये आप देख सकते हैं यहाँ। उधर भी छोटा जंगल है, उसको मैं पार कर दिया हूँ, और मैं अब आ गया हूँ घनघोर जंगल के बीच में। डर लगता है कि पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे न्यूज़ आपका में, कि एक बूढ़ा को जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला था, और घर के बगल में ही। तो जंगल में तो बात ही अलग है, इसलिए डर लगता है, और मैं डरते डरते पहुंचा हूं। तो देख रहा हूं क्या मिलेगा, तो बने रहिए,
मैं अब अंदर जा लेता हूँ, झाड़ी के अंदर में क्या मिलेगा सबको मैं देखूँगा। और मैं जा रहा हूँ, यह रास्ता पूरा ढका हुआ है, रास्ता का पता नहीं चल रहा है किधर से रास्ता है। आजकल इधर लोग आते नहीं हैं इसलिए पता नहीं लगता है। तो गाइस, मैं बहुत दिन के बाद जंगल में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग को ये जंगल का ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी से पहुंच जाए और आप देख पाएँ। तो बने रहिए, मैं घुस रहा हूँ अंदर। ये हम लोग का जंगल इतना घनघोर जंगल है, इसी में मैं अब काम करूँगा। तो चलिए देखते रहिए, अभी बताऊँगा, अभी कुछ खोज रहा हूँ, उसको पा लूँगा, उसके बाद अगला वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, मैं फिर से चढ़ रहा हूँ, एक बार ला दिया हूँ, अब देख सकते हैं इधर लकड़ी, ये लकड़ी ला दिया हूँ, और थोड़ा देरी आराम करने के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ ऊपर, फिर से मैं उतारूँगा जो कि सूखा लकड़ी है जलावन के लिए लेके आ रहा हूँ। तो मैं एक बार उतार दिया हूँ, दूसरा बार फिर से मैं उतारूँगा, तो मैं चढ़ने वाला हूँ। धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए थकवास लग गया मुझे, और मैं जा रहा हूँ। अगल बगल ये है हम लोग का, ये है हम लोग का जंगल का नज़ारा ऐसा है, और इधर टाँड है, टाँड के आसपास भी बहुत ज़्यादा पेड़ है। तो मैं जा रहा हूँ, फिर से मैं उतारूँगा, उसके बाद मैं दिखाऊँगा कैसा लकड़ी लेके आया हूँ। तो आजकल धान कटाई शुरू हो गया है, इसलिए आदमी लोग उतना जंगल नहीं आता है, डर भी लगता है। अकेला मैं थोड़ी देर में जंगल में भटक रहा था, लेकिन सूखा लकड़ी मिलने के कारण से मैं जल्दी ऊपर से नीचे आ गया हूँ, और मैं एक ठो को रख दिया ऊपर ही, उसको लेके आऊँगा। तो बने रहिए, मैं झाड़ी में फिर से प्रवेश कर चुका हूँ। ये उनका झाड़ी बहुत घनघोर झाड़ी है, जंगल भी ऐसा ही है, झाड़ी से भरा पूरा है। ये तभी मैं जिधर से चढ़ रहा था उधर ही से फिर से मैं चढ़ रहा हूँ। चढ़ने के लिए बहुत तकलीफें होती है, लेकिन जब चलना तो पड़ेगा ही। ये चढ़ाई कर रहा हूँ, और थोड़ा दूर चढ़ने के बाद जहाँ मैं रखा हूँ वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो ये हम लोग का जंगल का नज़ारा, तो बने रहिए, उतार लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। गाइज, मैं अब पहुँच गया हूँ जहाँ मैं रखा हूँ वहाँ पर। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। दोस्तों, मैं अब जंगल से उतर गया हूँ, और मुझे
बहुत प्यास लगी है। तो यहाँ पर एक नाला बह रहा है, जंगल से ही पानी बहते हुए जा रहा है नीचे, तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ, वहीं से मैं पानी पी लूँगा ऐसा सोच रहा हूँ मैं। देखता हूँ है कि नहीं, होगा तो ज़रूर, लेकिन कुछ कचरा उचड़ा होगा तो फिर मैं बेकार हो जाऊँगा, पीने नहीं सकूँगा। देखता हूँ कैसा है, अगर पूरा साफ पानी है तो उसको ही लूँगा और पीऊँगा। देखता हूँ कैसा है। अच्छा तो यहाँ पर पानी तो बहुत कम है, ये पानी तो बहुत कम है, लेकिन मैं आगे जाऊंगा उधर, ये अगर पानी बहुत जमा हो गया है, गड्ढा है और पूरा साफ पानी है, दिखने में भी साफ दिख रहा है ये, तो मैं इसी को पीऊँगा। देखते हैं, आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी झरना से बहता हुआ, और यहीं से मैं पी करके वापस जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी, और यही पानी को मैं पी करके जाने वाला हूँ। ये इधर भी है ये, तो बने रहिए। अब इन्हें उतर लेता हूँ, जा रहा हूँ नीचे, अब कैसे पीऊँगा उसको भी सोचना पड़ रहा है। अब पत्ता देख लूँगा, उतरने के लिए तकलीफ उठाना पड़ रहा है। गाइज मैं आ गया हूँ नीचे, पत्ता के सहारे ही पीना पड़ेगा मुझे, और यहाँ भी आदमी लोग लेके आया है पत्ता। अब मुझे भी पत्ता का नसीब हो गया, इसी के सहारे मैं पानी पीने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं पानी पीने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अरे साला पत्ता भी मेरा कटोरा भी खराब हो गया, बिगड़ गया, इसको बनाना पड़ेगा। गाइज मेरा प्यास हट गया है, पी लिया हूँ पानी, अब मैं जाता हूँ घर। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया ज़्यादा, आज का इस ब्लॉग में इतना ही, अगला ब्लॉग में फिर से मिलेंगे नए स्टाइल के साथ, नया जॉब के साथ। क्या मैं करूँगा वो सबको देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप लोग के पास जल्दी से पहुंच सके। सबों को देखने के लिए धन्यवाद।